हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जियो के इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। गाइज, अगर आपका इंटरनेट स्लो चलता है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आप सभी को तो पता है कि जियो ने अपना 5G बीटा टेस्टिंग इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक 5G बीटा APN के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके गैज आप अपने इंटरनेट स्पीड को 50 to 70% तक बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना इंटरनेट स्पीड दिखा देता हूँ कि मुझे इस APN से कितना स्पीड मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब गैज यहाँ पे हम गो पे क्लिक करते हैं। तो गाइज हमारा जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड हमें इस APN से मिल रहा है। तो गाइज हमारा जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 15.2 MBPS। तो गाइज हमारा जो अपलोडिंग स्पीड है वो है 4.95 MBPS। तो गाइज काफ़ी अच्छा स्पीड हमें इस APN से मिल रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको APN सेटिंग करनी है। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए जानकारी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन में जो भी सिम लगे होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे सिम 1 सिम 2 शो हो रहा है। मेरे फ़ोन में इस टाइम पे जियो और एयरटेल लगा है, तो हम यहाँ पे जियो पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज़ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में प्लस का आइकन बना होगा और काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन पे यहाँ पे ऐड लिखा होगा। तो गाइज़ आपको नया APN क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से ही APN क्रिएट कर रखा है। तो गाइज़ जब हमें नया APN क्रिएट करना है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। और गाइज़ यहाँ पर मैं इसको एडिट करके भी आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें फिल किया है। तो गाइज़ अगर आप नया APN क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना होगा, अगर आपके फ़ोन में ऐड का ऑप्शन आता है। अगर गाइज आपके फ़ोन में प्लस का है तो आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। तो गाइज जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें भरनी हैं। तो गाइज यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलता है नेम का, आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर आपको भर देना है 5G Prime Beta। और गाइज आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, जो जी है वो कैपिटल में रखना है और पी को कैपिटल में रखना है और बी को भी कैपिटल में रखना है और इन दोनों के बीच में स्पेस देना है। तो दोस्तों इस तरह आपको नाम डाल देना है 5G Prime Beta। इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा APN का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है 5G 2020। यहाँ पे गाइज जो जी है वो कैपिटल रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। 5G 2020 डालने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब गाइज इसके बाद आपको यहाँ प्रॉक्सी को नॉट सेट कर देना है, यानी गाइज इनको नहीं छेड़ना है। इसके बाद आपको पोर्ट को भी नॉट सेट रहने देना है। अब गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़र नेम का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र नेम में डाल देना है Beta Testing 5G। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखोगे सभी स्मॉल में रहेगा और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर Beta Testing 5G डालने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का। गाइज आपको पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालना है, नॉट सेट रहने देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्वर का। दोस्तों जो हम सर्वर यूज़ करेंगे वो गूगल का यूज़ करेंगे, तो गाइज यहाँ पे आपको डाल देना है google.com। और गाइज यहाँ पे आपको www जरूर लगाना है और गाइज इसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। अब आपको यहाँ ओके कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इन ऑप्शन को छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MCC और यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा MNC। दोस्तों आपको इनको नहीं छेड़ना है, ये आपके एरिया कोड है। अगर गाइज आप इन दोनों ऑप्शन को छेड़ोगे तो दोस्तों आपका जो स्पीड है वो बढ़ने की बजाय घट जाएगा। तो गाइज आपको इन दोनों ऑप्शन को नहीं छेड़ना है।
अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, PAP और CHAP को। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा APN टाइप का, आपको इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा APN प्रोटोकॉल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, IPv4/IPv6। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी क्लिक करना है और यहाँ भी आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है बियरर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में अनस्पेसिफाइड सेलेक्ट होता है, तो गाइस आपको इसको अनटिक कर देना है और यहाँ पे जितने भी बियरर दिए गए हैं सभी को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सभी बियरर को सेलेक्ट कर रखा है। और गाइस काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो एक ही बियरर को सपोर्ट करते हैं। गाइस अगर आपका भी फ़ोन एक ही बियरर को सपोर्ट करे तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यहाँ पर LTE को सेलेक्ट कर लेना है। बियरर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक जाना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है, तो दोस्तों जो आपका APN है वो क्रिएट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपको उस APN को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये 5G प्राइम बीटा को सेलेक्ट कर रखा है। और गाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। और गाइस जब आप इंटरनेट चलाओगे तो दोस्तों आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो 50-70% ज़रूर बढ़ जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये जो APN है आपके फ़ोन में कितना स्पीड दे रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।